सौरभ दुबे, आज सभी को इंतजार रहेगा गृह मंत्री का। विपक्ष एकजुट होकर मांग कर रहा है कि गृह मंत्री आकर दोनों ही सदनों में इस पर जवाब दें। देखिए, निश्चित रूप से गृह मंत्री जो है वो जवाब देंगे, जो जिम्मेदारी है जिम्मेदारी के तहत पूरा जवाब दिया जाएगा। लेकिन देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है संसद में इस तरह की घटना होना, लेकिन उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस पर राजनीति होना। जिस प्रकार से संसद के अंदर सभी पार्टियों के लोग बैठते हैं, उसमें कोई एक विशेष पार्टी के लोग तो नहीं है, लेकिन अभी जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनका एजेंडा सही था, तरीका गलत था, इन्होंने अभी आपके चैनल पे कहा है कि उनका एजेंडा सही था, वो करना चाहते थे, और दूसरी चीज कही कि उसमें धर्म को जोड़ दिया। देखिए, इसी प्रकार की दुर्भावनापूर्ण जो है बयान देने के कारण जो है ये जो मानसिकता लोगों के अंदर आती है। देखिए, सिक्योरिटी चेकिंग जो है एक प्रोसेस है, मैंने खुद संसदीय कार्य मंत्रालय के अंदर कार्य किया हुआ है, तो वहां पर जो थ्री लेयर है सिक्योरिटी चेकिंग का, उसके बाद आप एंट्री करते हैं दर्शक दीर्घा जो पास बन करके जाता है संसद का। तो अगर आपका पास बना हुआ है तो आपको चेकिंग होते हुए आप स्मूथली वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ये बहुत ही बड़ा जांच का विषय है कि वो जो स्प्रे लेकर के गए थे वो कैसे अंदर पहुंचा, क्योंकि मैं इसमें स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जितने संसद में कार्य करने वाले लोग हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, उनकी बहुत बड़ी चूक है, उन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। क्योंकि देखिए, जब कोई एंट्री करता है तो अगर सुरक्षा कर्मी उसमें थोड़ा भी ढीलापन देते हैं तो उसके कारण से ऐसी कोई वस्तुएं जा सकती है। हालांकि वो डिटेक्टर मशीन लगी हुई है, जब कोई इस तरह बंदूक या इस तरह का सामान लेके जाएंगे तो मशीन काम करती है, लेकिन अगर स्प्रे इस प्रकार का भी है तो उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। और दिन पर दिन जब नई संसद बन गई है तो ऐसी कोई भी घटना आगे से ना घटे, इसके लिए जो है अन्य प्रकार की मशीनें जो है वो भी लगानी चाहिए। क्योंकि देखिए, दर्शक दीर्घा में दर्शक तो पहुंचेगा, आप उसका पास बनवा करके, आज भी कर्नाटका की असेंबली में दो लोगों का पास अलाउ किया गया है, तो अगर वो दो लोग जाते हैं असेंबली के अंदर और किसी प्रकार की कोई घटना कर देते हैं तो उसके लिए जो जिम्मेदारी बनेगी उसको सुरक्षा के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार की जो घटना है वो बहुत ही निंदनीय है, और जो राजनीतिक बयान कांग्रेस पार्टी द्वारा और समाजवादी पार्टी के द्वारा इसमें जो है राजनीति की जा रही है वो और भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार मौन क्यों अब तक? सरकार मौन नहीं है, सरकार देखिए, सरकार बयानबाजी में काम नहीं करती, सरकार अपना कार्य कर रही है, उसको वहां पर ले जाकर के उनसे पूछताछ शुरू हो गई है, पूरा बैकग्राउंड जांच कर लिया गया है। जिस भाजपा सांसद के माध्यम से उनका पास बना था उन भाजपा सांसद को भी बुला करके पूछताछ कर ली गई है, पूरी कार्रवाई जो है नियम के तहत चल रही है। जरूरी नहीं है कि टीवी पर आकर के बयान दिया जाए, बयान दिया जाएगा जब पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी, उसके बाद जो गृह मंत्री है वो स्वयं आकर के अपना बयान